अभी हम अम्बेडकर अस्पताल में खड़े हैं, जहां हमने ऐसे कई मरीजों से बात किया है, जिसमें हमारे साथ एक मरीज है जिनको यहां एक भी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाई है। इतना बड़ा काम है जो आज हमारे राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं एक मरीज से। हेलो सर भाई, यहाँ मेरे हार आया था, मेरा चारों दवाई लिखा है सर जी, एक भी दवाई यहाँ OTP में नहीं मिल पाया। तो क्या बोल रहे हैं, सारी दवाई नहीं मिल पाई? बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। तो आपने इसके लिए बोला क्यों नहीं, जब सरकार सारी दवाई है? तो मैं तो वहाँ बोला तो बोला एक भी दवाई नहीं, आपको बाहर से लेना है, तो बाहर आकर भाई। तो देख रहे हैं आप हमारे राज्य की जनता का हाल, आज दवाइयाँ ये सब बाहर से खरीद रहे, तो इतना इलाज कराने का और सरकार का इतना बजट पेश करने का क्या मतलब यदि हमारे राज्य की जनता को एक भी दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो जहाँ पास दवाइयाँ तो मरीजों को उपलब्ध हो रही है, लेकिन आधी दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। आज राज्य सरकार छत्तीसगढ़ शासन इतने बजट पेश कर रहा है, इतनी योजनाएँ ला रहा है, लेकिन यहाँ आम वर्ग के लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार की सारी योजनाएं यहाँ फेल होती नजर आ रही है, इसका खामियाजा आज हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने इस पूरे मामले पर PRO सुब्रत सिंह ठाकुर से बात किया और ये इस पूरे मामले में उनसे हमने सवाल जवाब किया, लेकिन वो सारे सवालों के जवाब देने से कतरा रही है।